हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एशिया कप में मिली एक बहुत बुरी शर्मनाक हार के बाद अब इंडिया टीम आ गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए, जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की टीम फाइनली आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, किसको बाहर कर दिया गया है, किसको मौका दिया गया है, पूरा फुल डिटेल्स पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल फॉर मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, इंडियन टीम की बात करें तो इंडिया टीम में इस बार जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड जो बनी हुई है उसमें रोहित शर्मा एज ए कैप्टन जा रहे हैं, जो कि अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे एज ए कैप्टन। उसके बाद आएंगे KL राहुल, जो कि वाइस कैप्टन उनको बनाया गया है। फिर उसके बाद विराट कोहली, जिन्होंने अभी अभी सेंचुरी लगाई है, वो अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, तो क्या होगा वो तो तब पता चलेगा। उसके बाद आएंगे सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और हर्षदीप सिंह। दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 15 स्क्वाड। उसके बाद जिनको जिनको पेंडिंग में रखा गया है, स्टैंड बाई में रखा गया है, वो है मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर। तो दोस्तों, ये है जिनको स्टैंड बाई पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टीम जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रही है। एकदम सिमिलर ही टीम वो इस समय साउथ अफ्रीका से खेलेगी, उससे पहले वो खेलेगी ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इस टीम का होगा अग्नि परीक्षा, जो कि जल्दी स्टार्ट है। उसके बाद ही जो फिल्टर्स होके जो प्लेयर्स जाएंगे वो पहुंचेंगे वर्ल्ड कप में। हालांकि उम्मीद ये है कि यही सारे प्लेयर वर्ल्ड कप में जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में पहले से ही टीम अनाउंस करना पड़ता है। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ की टीम आई है, इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके शॉर्ट्स वीडियो में उनकी टीम देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर बात करूँ अपनी टीम के बारे में, तो मेरी जो प्लेइंग 11 होगी उसमें मैं KL राहुल से ओपनिंग नहीं करवाऊंगा। मैं ओपनिंग करवाऊंगा विराट कोहली और रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा, विराट कोहली एज ए ओपनर मेरी टीम के लिए। उसके बाद मेरी टीम में आएंगे वन डाउन जो आएंगे वो होंगे सूर्य कुमार यादव। उसके बाद मैं प्रीफर करूंगा ऋषभ पंत को। उसके बाद ऋषभ पंत के बाद अगर कोई आ सकता है तो वो है KL राहुल। ऋषभ पंत के बाद मैं रखूंगा KL राहुल को। उसके बाद मैं हार्दिक पांड्या को रखूंगा। फिर चहल और अश्विन, जो कि स्पिनर हो सकते हैं मेरी टीम के, और अश्विन बैटिंग भी कर सकते हैं तो वो आ सकते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल या अर्शदीप सिंह। तो मैं हर्षल पटेल के साथ यहाँ पे जाऊँगा। तो ये है मेरी टॉप 11 टीम जो कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए काफ़ी होगी। और बाकी स्टैंड बाय पे मोहम्मद शमी को रखा गया, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे अर्शदीप सिंह या हर्षल पटेल की जगह पे आ सकते थे, क्योंकि अनुभव ही जिताएगा वर्ल्ड कप को। और दोस्तों, बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स की जिन्हें इस बार T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिल पाया है। उनमें जो हैं कुछ प्लेयर हैं, जैसे राहुल चहर को मौका नहीं मिल पाया, उनको टीम में हालांकि बाहर अंदर किया जा रहा था लेकिन उसके बाद उनको मौका नहीं मिल पाया है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, जिनको पिछले वर्ल्ड कप में लेके गई थी टीम इंडिया, वो अच्छा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार उनको शायद टीम में नहीं लिया गया है। ईशान किशन, जो कि इंडिया के टॉप ओपनर रह चुके थे काफ़ी टाइम से, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए उनको हो सकता है बाहर कर दिया गया हो। मोहम्मद शमी को स्टैंड बाई पर रखा ही गया है। शार्दुल ठाकुर को बाहर कर दिया गया यहाँ पे, क्योंकि वो एक मीडियम पेसर है तो उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी। उसके बाद दोस्तों, जडेजा भी मिस आउट है इस बार वर्ल्ड कप से, क्योंकि उनके टखने में चोट की वजह से वो अभी ऑपरेशन करा के आराम कर रहे हैं। और बाकी दोस्तों, बात करें अगर IPL आप देखते होंगे तो आपकी फेवरेट टीम से कितने प्लेयर गए हैं और किस टीम से कितने प्लेयर जा चुके हैं, ये अभी हम देख सकते हैं। जैसे दोस्तों, MI से, मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह को लिया गया है। ये तीन प्लेयर मुंबई इंडियंस से आ गए हैं। उसके बाद तीन प्लेयर ही आए हैं RCB से, रोहित कार्तिक और हर्षल पटेल। उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली से जो दो प्लेयर आए हैं वो है ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। फिर आए हैं LSG यानी लखनऊ सुपर जायंट्स से KL राहुल, दीपक हुड्डा। उसके बाद देखेंगे RR राजस्थान रॉयल्स से भी दो प्लेयर निकल के आए हैं, वो हैं चहल और अश्विन। उसके बाद देखेंगे SRH मतलब सनराइजर्स हैदराबाद से जो प्लेयर आए हैं, सिर्फ एक प्लेयर आए हैं, वो है भुवनेश्वर कुमार। पंजाब किंग्स से आए हैं हर्षदीप सिंह और गुजरात टाइटन्स से आए हैं हार्दिक पांड्या। तो ये थी IPL की टीम जिसको हम देखते रहते हैं, ये सारे प्लेयर्स निकल के आए हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी टीम आपको बता दी है। अगर आपकी प्लेइंग 11 आपको समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। आपकी अगर प्लेइंग 11 मुझे पसंद आती है तो मैं उसे हार्ट दूंगा और पिन भी करूंगा अपने कमेंट में। तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अभी हाल ही में आई है वेस्ट इंडीज़ की टीम, उसके लिए मैं वीडियो नहीं लाया हूँ, उसके लिए आएगा शॉर्ट्स वीडियो, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।